जानकारी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हजारों किताबें बेसमेंट के अंदर धूल फांक रही हैं। मदरसा बोर्ड के आप मेंबर हैं, वो किताबें धूल क्यों फांक रही हैं? सबसे पहले क्या वो बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मदरसा बोर्ड शुरू से ही यानी जिम्मेदार है, जो वहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी हैं वो कंटिन्यू किताबों के लिए फ़ोन करते भी रहते हैं और कई बार जाते हैं तो लेकर भी आते हैं किताबें, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ जैसे नामांकन बाद में देते हैं। एक एक किताब लेके आते होंगे सर? नहीं सर, एक एक किताब नहीं लेकर आते हैं भाई साहब। वो किताबें अभी जो है नई व्यवस्था जो है नोडल बना दिए गए हैं, 18 नोडल, और वो नोडलों पे मैं खुद वितरित करके आया हूँ। नहीं, नोडल पहले भी बना दिए थे भाई साहब। सर आपको जनमंच के माध्यम से भरोसा दिला दीजिए कि वो जो सरकार का पैसा जाया जा रहा है उस बेसमेंट के अंदर, वो उन बच्चों को मिलेगा, उनका हक उन तक पहुंचेगा। बेशक मैं पूरी कोशिश है और सरकार से और जो भी लापरवाह जो अधिकारी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगा। मैं उनका दामन नहीं छोड़ूंगा, आप समझे नहीं, वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरी कौम के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं उनका मुस्तकबिल खराब नहीं होने दूंगा। मुझे कौम से एक बात याद आई, अभी अजमेर के अंदर उपचुनाव थे और उपचुनाव के दौरान इस सूबे की सरकार के जो मंत्री हैं यूनुस खान जी, उन्होंने कहा था कि जो पैरा टीचर्स हैं हम उनको स्थायी कर देंगे, आज तक वो नहीं हो पाई। और चुनाव के जब दौरान बात होती है तो इन तमाम लोगों को याद आती है, आखिर ये मुद्दा चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? चुनाव के समय वादा करते हैं और फिर भूल क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे ही समाज के, आपकी ही कौम के, आपके ही मंत्री यूनुस खान जी ने कहा था, वादा किया था, केकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आज तक वो पैरा टीचर्स हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। 15 साल होने के बाद में जो 8200 की स्केल पे कर रहा है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार से वो कर पाएंगे? तो ये जो नुमाइंदगी करने वाले जो पद तो ले लेते हैं और पद लेने के बाद में वो एक पार्टी की भाषा बन जाए, मुझे नहीं लगता कि उसे पार्टी की भाषा बनना चाहिए। ये आवाज है इस देश की, ये आवाज है इस मुल्क की, और ये आवाज है उस वर्ग की जिसको शिक्षा से महरूम है और मुख्य धारा में जो तमाम बात है उसको लेके आने की बात है। मेवाती साहब, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से बात करेंगे, और 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में कोई भी मदरसा पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा, उसके हमारा एक टारगेट रहेगा। और हम जो भी लोग जिनके पास जिम्मेदारी थी और उन्होंने जो लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करवाने के लिए सरकार को लिखेंगे कि निश्चित रूप से। इधाई साहब, जयपुर में 284 मदरसे हैं, हाँ, जिनमें से 20 मदरसों को दूध मिल रहा है, ये मिड डे मील से रजिस्ट्रेशन, अगर राजस्थान सरकार का रजिस्ट्रेशन होती है, 20 मदरसों को दूध मिलता है ये। मैं आपको अभी भारत साहब जो बात कह रहे थे, कंक्लूजन वही है कि जिम्मेदारी हमारी सामूहिक है और सरकार के जिम्मे जो काम आता है हम निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर अंदर पुस्तकें भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये दूध की जो बात है, दूध भी दिलवाने की व्यवस्था पुख्ता करवाएंगे, जब स्कूलों में मिल रहा है तो मदरसों में भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे 3 क्वेश्चन आपसे हैं। हाँ, आपकी मदरसा बोर्ड में 200 जयपुर शहर में एक एग्जाम्पल ले लो, जो अखबार में आया प्रसंज्ञान आपके अल्पसंख्यक जो कमीशन ने लिया, 284 मदरसों में जो 20 मदरसों को दूध पिलाया दिया जा रहा है, बाकी को नहीं, एक दूसरी कमेटी बनी कि आपके 4 कैबिनेट मंत्री यूनुस खान, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र राठौड़ और किलक के एक कमेटी बनी जो इन कर्मचारियों को स्थायी करने की बात की गई। नंबर 3, क्या इन कर्मचारियों को आप स्थायी कर पाओगे, मानदेय बढ़ा पाओगे? क्या जो मंत्री इनकी मीटिंग करके, क्या समस्त रजिस्टर्ड जो कहे उनको मिड डे मील किताबें क्या उनको आप हटाओगे जो कमीशन लेते हैं? जयपुर शहर का अल्पसंख्यक अधिकारी हो, चाहे चूरू का अल्पसंख्यक अधिकारी, दुरुस्त करवाएंगे और निश्चित रूप से, और पुस्तकें वितरण करने की व्यवस्था हम 10 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में, चाहे वो जयपुर हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर हो, सब जगह हम करवाने की कोशिश करेंगे। जनमंच के माध्यम से कि जो किताबें बेसमेंट में धूल फांक रही है वो बच्चों तक पहुंचेगी और उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद करते हैं कि मदरसों को जो सरकार की तरफ से सहायता राशि दी गई है, जो बजट दिया गया है, वो उन तक पहुंचे। आधुनिक शिक्षा भी जो है वो वहाँ पर उसका भी बोलबाला हो और मदरसे भी जो है वो दूसरे स्कूलों के साथ जो है वो पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि ये बात जल्द जो है वो पूरी होगी। आप तमाम मेहमान जनमंच के अंदर आए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।